वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें। आशा वर्कर्स को सरकार की ओर से दिए जा रहे परिवार नियोजन परामर्श किट किरकिरी का कारण बन रहे हैं। इसमें अन्य जरूरी सामानों के अलावा महिलाओं और पुरुषों के प्रजनन अंग के रबर के मॉडल भी दिए जा रहे हैं। तो सरकार ने फैसला किया है कि प्रज्वला योजना के क्रियान्वयन में कथित तौर पर हुए सरकारी पैसे के दुरुपयोग की जाँच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। वहीं मुंबई सत्र न्यायालय ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर के अग्रिम जमानत आवेदन पर कल 23 मार्च 2022 को सुनवाई रखी है। इसी बीच सरकार ने खुलासा किया है कि प्रदेश के सरकारी और स्थानीय निकायों के स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त में गणवेश देने के लिए निधि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राज्य के वित्त विभाग के पास भेजा गया है। उधर जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने कहा है कि जून 2025 तक अमरावती विभाग की सिंचाई अनुशेष पूरा करने की योजना है। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रदेश की आशा वर्कर्स को परिवार नियोजन परामर्श किट उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें अन्य जरूरी सामानों के अलावा महिला और पुरुषों के प्रजनन अंग के रबर के मॉडल भी दिए जा रहे हैं। यही मॉडल अब सरकार की किरकिरी का कारण बन रहे हैं। इसको लेकर राज्य की आशा वर्कर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि इस वजह से उन्हें काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। उनकी माने तो अभी हमारे समाज में महिला और पुरुष प्रजनन अंगों की नुमाइश की कोई आजादी नहीं है। वे जहां भी इसे पेश कर रही है, लोग मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं। खुद उन्हें भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। लिहाजा इन लोगों ने सरकार से मांग की है कि इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मॉडल्स को हटाया जाना चाहिए। आशा वर्कर्स के मुताबिक ऐसी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी शर्म महसूस होती है। परिवार नियोजन की किट में मानव प्रजनन अंगों के रबर के मॉडल दिए जा रहे हैं। इस विषय पर बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने जमकर निशाना साधा है। महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार अपना होश खो बैठी है, जो मन में आए उसे ही कर रही है। एक तरफ आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को अनसुनी कर रही है, वहीं इन्हें ऐसे काम सौंप रही है जिसके चलते वे हंसी का पात्र बन रही है। इसे अविलंब रोका जाना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्ववर्ती भाजपा नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई प्रज्वला योजना के क्रियान्वयन में कथित तौर पर हुए सरकारी पैसे के दुरुपयोग की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार एक जांच समिति की स्थापना करेगी, जो प्रज्वला योजना के तहत राज्य सरकार के पैसों के कथित गलत इस्तेमाल की जांच करेगी। महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष को भी इस आयोग के सामने पेश होना पड़ेगा। बता दें कि प्रज्वला योजना को 2019 में तत्कालीन सरकार ने शुरू किया था, ताकि महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को कानूनी मामलों, सामाजिक और वित्तीय जानकारी दी जा सके। महाराष्ट्र महिला आयोग ने इस योजना का क्रियान्वयन किया था। भारतीय जनता पार्टी की विजया रहटकर 2014-19 के बीच महिला आयोग की अध्यक्ष थी। आरोप है कि राज्य महिला आयोग के अधिकारियों द्वारा सौंपे गए बिल हाथ से लिखे गए थे और अंतिम नहीं थे। साथ ही विधानसभा क्षेत्रों का चयन इस प्रकार किया गया कि योजना का लाभ केवल भाजपा को मिले। और तो और, सरकार ने प्रज्वला योजना के लिए निधि उपलब्ध नहीं कराई थी, पर आयोग ने प्रज्वला योजना लागू करने के लिए सरकार के सहायक अनुदान की निधि का इस्तेमाल किया था। मुंबई सत्र न्यायालय ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर के अग्रिम जमानत आवेदन पर कल 23 मार्च 2022 को सुनवाई रखी है। तब तक दरेकर को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत कायम रहेगी। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर भारतीय जनता पार्टी के नेता दरेकर की जमानत आवेदन का विरोध किया है। दरेकर पर मजदूर श्रेणी से फर्जी तरीकों से कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ने का आरोप है। पिछले सप्ताह MRA मार्ग पुलिस ने इस मामले को लेकर दरेकर के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए दरेकर ने अधिवक्ता अखिलेश चौबे के माध्यम से 17 न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया है, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 17 मार्च को कोर्ट ने दरेकर को अंतरिम राहत दी थी। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता दरेकर को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था, इसलिए दरेकर ने 17 न्यायालय में आवेदन किया है। आम आदमी पार्टी के नेता धनंजय शिंदे ने इस मामले को लेकर दरेकर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। शिकायत में शिंदे ने दावा किया है कि दरेकर मजदूर नहीं है, फिर भी उन्होंने इस श्रेणी से मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ा था। दरेकर कई वर्षों तक इस बैंक के प्रेसिडेंट रहे हैं। प्रदेश के सरकारी और स्थानीय निकायों के स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त में गणवेश देने के लिए निधि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राज्य के वित्त विभाग के पास भेजा गया है। विधान परिषद में प्रदेश की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ये जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत फिलहाल सरकारी और स्थानीय निकायों के स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक की सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी छात्रों और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों के बच्चों को मुफ्त में गणवेश उपलब्ध कराया जाता है।
बच्चों को प्रतिवर्ष एक गणवेश के लिए 300 रुपए के हिसाब से दो ड्रेस के लिए 600 रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। साल 2021-22 में 36,07,292 विद्यार्थियों को स्कूल प्रबंधन समिति के जरिए मुफ्त में गणवेश प्रदान किया गया है, जबकि शेष 12,60,744 विद्यार्थियों को गणवेश उपलब्ध कराने के लिए 75,64,00,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने राज्य के वित्त विभाग के पास निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद स्कूली शिक्षा विभाग गणवेश उपलब्ध कराने के बारे में फैसला लेगा। जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने कहा है कि जून 2025 तक अमरावती विभाग का सिंचाई अनुशेष पूरा करने की योजना है। इसके लिए सरकार ने निधि का प्रावधान किया है। जून 2021 तक अमरावती विभाग में सिंचाई का अनुशेष 1,21,856 हेक्टेयर था। परियोजना के लिए सरकार को बगैर नानकुर के जमीन देने वाले किसानों को 2013 के नए कानून के अनुसार मुआवजा देने की मांग पर मंत्री पाटिल ने कहा कि कानूनी रूप से ये संभव नहीं है। एक बार जमीन अधिग्रहण के बाद जिन्हें मुआवजा दे दिया गया है उन्हें नए कानून के मुताबिक पैसे नहीं दिए जा सकते। फिर भी सरकार 1.5 महीने में इसका अध्ययन करेगी और इस बाबत कोई फैसला लेगी। परियोजना प्रभावितों की संख्या और मुआवजे की रकम ज्यादा हुई तो सरकार के लिए ये वित्तीय बोझ उठा पाना संभव नहीं होगा। दरअसल जिन किसानों ने देर से और कानूनी लड़ाई के बाद जमीन दी थी उन्हें नए कानून के मुताबिक 4 गुना अधिक मुआवजा मिला था। विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति की अगुवाई में 4 मार्च से किसान अधिक मुआवजे की मांग करते हुए अनशन पर बैठे हैं। पाटिल ने कहा कि अनशन पर बैठे लोगों को मनाने की कोशिश जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि परियोजना प्रभावितों को नौकरी में मिलने वाला आरक्षण 5% से बढ़ाने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेजा गया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर नॉन सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में कई महीने से राहत थी, लेकिन अब सड़क से किचन तक आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। तो आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रदर्शन को गुजरात में दोहराने की कोशिश में है। वहीं सार्वजनिक रूप से कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के जो भी कारण बताए, लेकिन सच यही है कि पार्टी के भीतर खाने में उथल पुथल मची हुई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के पलायन पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर मैं कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अत्याचार का जिम्मेदार हूं तो मुझे फांसी पर लटका दो। उधर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथलविया में बन रहे विराट रामायण मंदिर के निर्माण के लिए एक मुस्लिम शख्स ने करीब 2.5 करोड़ रुपए की जमीन दान में दे दी है। देश भर की 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। सड़क से किचन तक आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल 137 दिन बाद महंगे हुए हैं, तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव 6 महीने बाद हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के कारण पेट्रोल डीजल और घरेलू एलपीजी गैस की कीमतों में भी उछाल आया है। दुनिया भर के देशों में जहां औसतन 7 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है, तो वही भारत में आज से ईंधन के दाम में 80 पैसे का इजाफा हुआ है। जबकि गैर सब्सिडी वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी 50 रुपए महंगा हुआ है। महंगाई की मार एलपीजी कंपोजिट सिलेंडर पर भी पड़ी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर नॉन सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में कई महीने से राहत थी। कच्चे तेल के दाम $140 प्रति बैरल तक पहुंचने के बावजूद 6 अक्टूबर 2021 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि चुनाव बाद यानी 7 मार्च के बाद कभी भी गैस के दाम 100 से 200 रुपए प्रति सिलेंडर से अधिक बढ़ सकते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद भी रेट नहीं बढ़े। वही एक दिन पहले डीजल के थोक उपभोक्ताओं को प्रति लीटर 25 रुपए का झटका लगा था। इससे पहले पश्चिम बंगाल चुनाव में भी यही पैटर्न देखने को मिला था। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रदर्शन को गुजरात में दोहराने की कोशिश में है। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात दौरे का फैसला किया है। दोनों नेता 2 अप्रैल को अहमदाबाद में रोड शो कर सकते हैं। पार्टी के अन्य नेता जल्द ही अहमदाबाद पहुंचेंगे और प्रचार प्रक्रिया को तेज करेंगे। आपके एक नेता ने कुछ कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने की ओर भी इशारा किया। इधर 10 और कांग्रेस विधायकों के भाजपा में शामिल होने की अटकलें जारी है। बता दें कि पंजाब में अपने प्रदर्शन से आप अति उत्साहित है। पार्टी ने अब 9 राज्यों में पार्टी पदाधिकारियों की घोषणा की है। पंजाब से आपके राज्यसभा उम्मीदवार आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर संदीप पाठक को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। पाठक को पंजाब में जीत के लिए पार्टी का चाणक्य के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पर्दे के पीछे काम किया और उम्मीदवारों के चयन व चुनावी रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई है। गुजरात में इस साल नवम्बर दिसंबर में चुनाव होने हैं। आप ऐसे चुनावी रणनीतिकार का इस्तेमाल करना चाहती है जो सालों से पार्टी से जुड़ा रहा है।
आप गुजरात में मजबूत राजनीतिक पैठ बनाने की कोशिश में हैं, जो लंबे समय से भाजपा का गढ़ रहा है। सार्वजनिक रूप से कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के जो भी कारण बताए, लेकिन भीतरखाने पार्टी के उथल पुथल मची हुई है। वही टीम प्रियंका के लोग इसे प्रायोजित बता रहे हैं। प्रियंका गांधी का कहना है कि इसको लेकर लोग गंभीर है, यही कारण है कि वह प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से भी मिलकर मुलाकात कर रही है। वही हार के कारणों को लेकर विचार विमर्श करने के साथ ही पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए भी सुझाव लिए जा रहे हैं। फिलहाल पार्टी तमाम बैठकों के बाद अब नई रणनीति पर आगे बढ़ने को लेकर विचार कर रही है। यह विचार सांगठनिक रणनीति बदलने को लेकर किया जा रहा है। जिन नेताओं को बीते दिनों पार्टी से निष्कासित किया गया, उनको वापस लेने पर भी मंथन किया जा रहा है। हालांकि इस बीच यह ख्याल रखा जा रहा है कि इन नेताओं ने गांधी नेहरू परिवार को लेकर कोई टिप्पणी न की हो। इसके बाद उम्मीद है कि पार्टी में अनुभवी नेताओं का सिक्का एक बार फिर से चलेगा। इसी के साथ युवाओं को उन नेताओं के अनुभव में काम करने के अवसर प्राप्त होंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के कई पुराने नेता या तो पार्टी को छोड़ चुके हैं या फिर साइडलाइन कर दिए गए हैं। पार्टी के एक नेता की ओर से हाल ही में ऐसे 30 नामों की लिस्ट जारी की गई थी, जो पार्टी से किनारा कर चुके हैं। यह लिस्ट पूर्व विधायकों और सांसदों की थी। हाईकमान को उम्मीद थी कि नया नेतृत्व नए जोश के साथ काम करेगा, लेकिन चुनाव में पार्टी अपना जनाधार खो बैठी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के पलायन पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि हर कश्मीरी चाहता है कि कश्मीरी पंडित लौटे। 1990 में जो हुआ वो साजिश थी। कश्मीरी पंडितों को साजिश के तहत भगाया गया है। उस वक्त जो दिल्ली में बैठे थे वो इसके लिए जिम्मेदार है। कश्मीरी पंडितों के लिए मेरा दिल भी रो रहा है। अगर मैं कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अत्याचार का जिम्मेदार हूँ तो मुझे फांसी पर लटका दो। इसी बीच विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स को लेकर जहां लोग बटे हुए हैं, वहीं कश्मीरी युवा नेता जावेद बेग ने फिल्म को लेकर कहा है कि इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ ये फिल्म ही सच नहीं है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो अन्याय के और भी कई सच है उन पर भी फिल्म बननी चाहिए। जावेद बेग ने कहा कि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, सब मेरी आंखों के सामने हुआ। हम एक सोसाइटी के तौर पर फेल हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करते। बेग ने कहा कि उस दौर में जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादती की वे यही कश्मीर के लोग थे, यही के मुसलमान थे। जिन लोगों ने वो सब किया उनमें से आज भी कुछ लोग जिंदा है। हमें मानना चाहिए कि गलती हुई है। पाकिस्तानी दहशतगर्दों को संरक्षण यही लोगों ने दिया और फिर कश्मीरी हिंदुओं पर ही अत्याचार हुए। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में विश्व के सबसे ऊंचे 270 फीट विराट रामायण मंदिर का निर्माण अगले महीने शुरू होने जा रहा है। मंदिर निर्माण में करीब 2.5 करोड़ रुपए की जमीन एक मुस्लिम शख्स ने मुफ्त में देकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। मंदिर निर्माण के लिए 125 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसमें से अब तक 100 एकड़ जमीन मंदिर को मिल चुकी है। कैथवलिया के जमींदार इश्तियाक मोहम्मद खान ने 23 कट्टा का प्लॉट मंदिर निर्माण के लिए दान कर दिया। इसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके पहले भी इनके परिवार की तरफ से मंदिर के लिए जरूरी जमीन की व्यवस्था में सहयोग दिया गया है। मंदिर के लिए मुफ्त में जमीन देने वाले इश्तियाक कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम प्रेम से रहे, अपनी अपनी आस्था अपनी जगह करे और इसके लिए लड़ाई झगड़ा न करे। पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल कहते हैं कि यदि इश्तियाक के परिवार ने जमीन न दी होती तो मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। किशोर कुणाल ने कहा कि विराट रामायण मंदिर में सबसे पहले विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। ये शिवलिंग 33 फीट ऊंचा और 33 फीट गोलाई में होगा। शिवलिंग निर्माण के लिए कन्याकुमारी के पास 250 मीट्रिक टन का ग्रेनाइट पत्थर खरीदा गया है। शिवलिंग का निर्माण सहस्त्रत लिंगम की तरह होगा, मतलब एक शिवलिंग में 1008 शिवलिंग बैठाया होगा। 8वीं सदी में इस तरह के शिवलिंग का निर्माण होता था। लगभग 1300 वर्षों के बाद इस तरह के शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस से हैरत भरी जानकारी यह है कि मॉस्को की एक अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को उग्रवादी संस्था घोषित करके प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारत के साथ जारी सीमा विवाद के बीच चीन ने हिमालय की गोद में 624 गांवों को बनाने का काम पूरा कर लिया है। अब वहां हर प्रकार की सुविधा है, हालांकि लोग अभी वहां रहने से कतरा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में घमासान मचा है। इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। इसी बीच चीन में सोमवार को हुए बड़े विमान हादसे में 20 घंटे के बाद कोई भी यात्री या चालक दल का सदस्य जीवित नहीं मिला है। उधर यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपात विशेष सत्र कल बुधवार को फिर से शुरू होगा। दुनिया भर की 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।
मॉस्को की एक अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को उग्रवादी संस्था घोषित करके प्रतिबंध लगा दिया है। स्थानीय अधिकारियों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अतिवादी विचारों के प्रचार प्रसार का आरोप लगाया गया था। उनकी माने तो इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। रूस की जासूसी एजेंसी ने भी कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रूस की सेना के खिलाफ प्रचार करने में किया जा रहा है। वही अमेरिकी कंपनी मेटा ने कहा है कि वह यूक्रेन के लोगों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाएगी और व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ किए जाने वाले पोस्ट को प्रमोट करेगी। मेटा के इस ऐलान के बाद रूस के मीडिया रेगुलेटर ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को बैन कर दिया। इसके बावजूद मेटा ने कहा कि अगर यूक्रेन से रूस के खिलाफ हिंसक संदेश भी पोस्ट किए जाते हैं तो वह नहीं हटाएगा। गौरतलब है कि व्हाट्सएप भी मेटा का ही मैसेजिंग ऐप है, लेकिन रूस ने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप प्रचार करने में उतना प्रभावी नहीं है, उसकी पहुंच कम लोगों तक रहती है, इसलिए व्हाट्सएप पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों रूस ने यूट्यूब पर भी बैन लगाने की धमकी दी थी। वही यूट्यूब ने भी रूसी कंपनियों और टीवी चैनलों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। भारत के साथ सीमा विवाद में बढ़त बनाने के लिए चीन की ओर से बसाए जाने वाले 624 गांवों का काम पूरा हो गया है। चीन ने हिमालय की गोद में बनाए गए इन गांवों का निर्माण या तो विवादित सीमा के अंदर या फिर कब्जा किए हुए इलाकों में किया है। चीन ने इन सैन्यकृत गांवों का निर्माण कार्य साल 2017 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश पर शुरू किया था। चीन सरकार ने अपने दस्तावेज में खुलासा किया था कि कुल 624 गांव बनाए जाने हैं। अब चीन का दावा है कि तिब्बत स्वायत्त इलाके में बनाए गए इन सभी 624 गांवों में बिजली, इंटरनेट, पानी और मजबूत सड़क बनाई गई है। इससे खाने, कपड़े, घर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा काफ़ी बेहतर हो गई है। चीन का दावा है कि इससे इलाके में समृद्धि, स्थिरता, जातीय एकता और प्रगति आई है। इन गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा गया है ताकि बिजली की समस्या का समाधान किया जा सके। चीन ने इन गांवों में बढ़िया मकान और अस्पताल भी बनाए हैं, साथ ही यहां रह रहे लोग पैसा कमा सके इसके लिए भी इंतजाम करने का दावा किया गया है। यहां बने उत्पादों को चीन के बड़े शहरों में भेजा जाता है। यहां की जरूरत के हिसाब से उद्योग भी लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत चीन के बीच जारी तनातनी को देखते हुए आम नागरिक इन गांवों में रहने से हिचकिचा रहे हैं, लेकिन चीन इन लोगों को तरह तरह के लालच देकर फांसने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल के बीच नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। विपक्षी पार्टी PMLN ने नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। इस घोषणा के बाद से मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान की विदाई की अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई है। नवाज शरीफ की बेटी और PMLN की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने बताया कि पार्टी ने शहबाज शरीफ को PM पद का प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया है। मरियम ने इमरान खान के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के सफल होने की उम्मीद जताई है। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को लगता है कि उनके खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, लेकिन उन्होंने यहाँ के नागरिकों के खिलाफ साजिश की है। अगर उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया होता तो 10 लाख लोगों को विरोध करने का कोई कारण नहीं होता। गौरतलब है कि पाकिस्तान में विपक्षी दलों के नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 25 मार्च को नेशनल असेंबली की बैठक बुलाई है। वहीं इमरान खान ने अब अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए अब वह लगातार रैलियां कर रहे हैं और अपने विरोधी राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं ताकि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जनमत को तैयार किया जा सके। चीन में सोमवार को हुए बड़े विमान हादसे के 20 घंटे बाद भी कोई यात्री या चालक दल का सदस्य जीवित नहीं मिला है। देश में एक दशक के इस सबसे भयावह विमान हादसे में अब किसी के जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का यह बोइंग 737-800 विमान गुआंगशी में सोमवार दोपहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसने कुनमिंग से उड़ान भरी थी और औद्योगिक शहर ग्वांजू जा रहा था। फ्लाइट रडार से मिली जानकारी के मुताबिक इस विमान ने स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:11 पर कुनमिंग एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। यह दोपहर 2:20 पर यह 29,100 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। करीब 2:20 पर इससे संपर्क टूट गया था। फिलहाल विमान में सवार 132 लोगों से अब तक कोई जीवित नहीं मिला है। यह चीन में करीब एक दशक के इतिहास की भीषण त्रासदी है। हादसे के बाद विमान और जहां यह हादसे का शिकार हुआ उस पहाड़ी इलाके में भयावह आग लग गई थी। यह आग इतनी विकराल थी कि यह नासा के उपग्रह के कैमरे में दर्ज हो गई। CCTV के अनुसार तस्वीरों में घटनास्थल पर मलबा दिखाई दे रहा है, लेकिन विमान में सवार लोगों
या चालक दल में से किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और न ही कोई जीवित मिला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस दुर्घटना पर हैरानी जताई है। उन्होंने दुर्घटना के कारणों की जांच करने और नागरिक विमानन क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका समेत 22 सदस्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्यीय निकाय के अध्यक्ष अब्दुल्ला को पत्र लिखे जाने के बाद यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपात विशेष सत्र कल बुधवार को फिर से शुरू होगा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता पर दुर्लभ आपातकालीन सत्र बुलाया था। इसके बाद 2 मार्च को सत्र की समाप्ति से पहले महासभा ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए मतदान किया था और यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की कड़ी निंदा की थी। इस मतदान में भारत अनुपस्थित रहा था। प्रस्ताव में राजनीतिक वार्ता, मध्यस्थता और अन्य शांतिपूर्ण तरीकों से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के तत्काल शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया गया। अफगानिस्तान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, कुवैत, सिंगापुर, तुर्की, यूक्रेन, यूके और अमेरिका सहित संयुक्त राष्ट्र के लगभग 100 सदस्य देशों ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता नामक प्रस्ताव को सहप्रायोजित किया था। महासभा में वोट की व्याख्या में भारत ने कहा था कि वह यूक्रेन में तेजी से बिगड़ती स्थिति और आने वाले मानवीय संकट पर बहुत चिंतित है। इसने अपने सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और निर्बाध मार्ग की मांग की थी, जिसमें छात्र भी शामिल थे जो यूक्रेन और शहरों में संघर्ष क्षेत्रों में फंसे हुए थे। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेवी न्यूज़। नमस्कार।